लाइफ की सबसे खराब चीज है कि हम लोग को लगता है वी हैव टाइम। हर इंसान की सबसे बुरी चीज यही है, उसको लगता है अभी तो समय बाकी है। यही आपको नीट के लिए लग रहा है, किसी इंसान को नौकरी के लिए ढूंढ रहा है उसको उसके लिए लग रहा है, कोई इंसान जेई का पेपर दे रहा है उसके लिए, कोई स्पोर्ट्समैन को ओलंपिक में कॉम्पीट करना उसे लग रहा है इसके बाद एक और ओलंपिक आ जाएगा। हम में से हर कोई ये सबसे बड़ी गलती करता है कि अभी समय है। बेटा समय नहीं है, कल हम ट्रक के नीचे आ सकते हैं, हम भी मर सकते हैं, समय नहीं है। यू डोंट हैव, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन इस वर्ल्ड का है दैट वी हैव टाइम, वी डोंट हैव टाइम। इस साल जो सबसे ज्यादा घिसेगा, सबसे ज्यादा गिरेगा, जो सबसे ज्यादा डांट खाएगा, जो सबसे ज्यादा टेस्ट देगा, जो सबसे ज्यादा फेल होगा, वही इस साल सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होगा। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। हम लोग क्या है, साइंस के स्टूडेंट हैं, तो वर्चुअल नहीं सोचेंगे कि एक दिन रात में आएंगे जादू जी। ब्रिलियंट, सुबह उठे अरे आंख भी ठीक हो गया, ये भी बन गया, बास्केटबॉल को थोड़ा सा टच किए भाग गया। तो पॉइंट ये है कि हम लोग इस तरह की चीजें अभी कम से कम, अभी हाल फिलहाल क्योंकि हुआ नहीं है रियल में, तो हम लोग विश्वास नहीं कर सकते। ऐ जिंदगी खौफ मत दिखा, जी भर पी लेने दे, जी भर पी लेने दे, पैमाना रख के जाऊंगा, खाली लाया था भर के जाऊंगा। तेरी मुश्किलें और ना बढ़ाऊंगा, चला जाऊंगा, अश्क आंखों में छुपाऊंगा, चला जाऊंगा, कुछ देर पड़ा रहने दे तेरी दहलीज पर मुझको, जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा। किसी बच्चे को अपने से कम मत समझो, अपने से ज्यादा ही समझ के चलो, खूब मेहनत करो। ये तुम्हें फील हो रहा है, नहीं यार हम ज्यादा पढ़ते हैं, हम आगे जाके कवर कर लेंगे, वो कवर नहीं कर पाएगा, तो ऐसा नहीं है, वो तुमसे भी तेज है, तो अपने से कम ना समझिए। याद रखना, जब हम कॉन्सेप्ट समझते हैं तो ऐसे समझो कि अभी पढ़ी है सदियां, और जब रिवाइज करते हो तो ऐसे रिवाइज करो कि बस अभी थोड़ी देर बाद एग्जाम है। वहां तक जाना है, वो पहाड़ की हाइट तक, रास्ते में प्लान लगातार बनते रहेंगे थोड़े 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 थोड़े, बट मेन प्लान से भटकना नहीं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के वो काम करिए जो आज तक आपने नहीं किया है, क्योंकि अब एक साल बाद जो आप बनने वाले हैं वो आज तक आप नहीं थे। चुप थे तो चल रही थी जिंदगी लाजवाब, चुप थे तो चल रही थी जिंदगी लाजवाब, खामोशियां बोलने लगी तो बवाल हो गया। सपने मतलब जब हम देखते हैं ना किसी चीज के लिए, ड्रीम करते हैं तो उसके लिए सोना पड़ता है। मान लो मुझे सपना देखना है तो उसके लिए सोना पड़ता है, लेकिन ये वो मतलब सपना है जिसके लिए जगना पड़ेगा, इसके लिए रात को भी जगना पड़ सकता है, दिन भर जगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जो मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये, भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, गहरा कुआं अधिक हो जितना उतना मीठा जल मिलेगा। बेटा ये 4-5 घंटे की हंसी मजाक वाली पढ़ाई और कल से पढ़ लूंगा, अगले हफ्ते से पढ़ लूंगा, इससे सिलेक्शन नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं होना है, कंफर्म। मैंने कई बार बोला है, घिसोगे तो चमकोगे, घिसोगे तो चमकोगे। भाई क्या होता है, हाथ में अंगूठी पहनते हैं गंदी हो जाती है, मैं नहीं पहनता, जो पहनते हैं उनकी गंदी हो जाती है, मैं फेंक दिया, पहनता रहा मैं बीच में, सब फेंक दिया मैंने, जो पहनते हैं गंदी हो जाती है, वो घिसते हैं तो वो चमकती है। बेटा जितना घिसोगे खुद को उतना चमक कर बाहर आओगे, और घिसना स्टार्ट करो आप खुद को। दिल में आग लगी है कल जो घर में बेइज्जती सही है, दिल में आग लगी है कल जो घर में बेइज्जती सही है, उसका बदला लेना है।
लोगों की आंखों में चमकना है, खुद को अपनी आंखों में ऊपर उठाना है और उसके लिए साल खुद को रगड़ कर जाना है। आज मैं आपके साथ हूँ, आपके फ्रेंड्स आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, हर कोई आपके साथ में। एक टाइम के बाद हर कोई छोड़ के चला जाएगा, लेकिन इस एक साल में जो आप कमाओगे ना, ये आपकी आखिरी सांस तक आपके साथ रहने वाला है, याद रखना। एक साल सैक्रिफाइस करोगे, पूरी लाइफ एंजॉय करोगे, और यदि एक साल यदि मस्ती करोगे तो पूरी लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। देखो बेटा, चाहे मोहब्बत हो चाहे नफरत, होती तो एक ही दिल से है ना। और अब क्या हो रहा है भाई, यहाँ होगी तो यही से, चाहे मोहब्बत हो चाहे नफरत हो, यही दिल मोहब्बत भी करता है, यही दिल नफरत भी करता है। लेकिन मोहब्बत क्यों कर रहा है फिर, ये थोड़ा खेल खेलता है। नफरत क्यों कर रहा है, ये खेल खेलता है। यार उसने ऐसा क्यों किया, बड़ा बेकार आदमी है, दिमाग चला, समझ रहे हो। इसलिए पढ़ाई, अभी नफरत ना हो उससे, तो एक ही काम करो, दिल में बसाओ। बेटा वो बच्चे को कोई सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता जिसके पास एक जादुई चीज है, सेल्फ मोटिवेशन। जो खुद को मोटिवेट कर लेना, उसको कोई नहीं रोक सकता सर, पूरी दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन एक ऐसी चीज है ना, सेल्फ मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जिसने, आप समझ लो, अलग सर को अलग सर बना दिया, जिसने बड़ी बड़ी हस्तियों को बड़ी बड़ी हस्ती बना दी सर। सेल्फ मोटिवेशन ऐसी चीज है। जो आपसे बोल रहे हैं, अबे चलो भैया कुछ देर YouTube पे पढ़ाई के अलावा कुछ और काम कर लेते हैं, चल घूम के आते हैं, चल पार्टी करते हैं, आज तो पार्टी का दिन है, आज तो सैटरडे नाइट है, अबे आज पार्टी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। ऐसा अगर कोई बोले आपसे, बोले भैया जीवन जी लो, अबे क्या दिन भर पढ़ाई में घुसा रहेगा, जीवन नहीं जिएगा क्या, जीवन एंजॉय नहीं करेगा, तो क्या बोलोगे, अरे बेटा हमको लंबा एंजॉय करना है, तुम शॉर्ट टर्म एंजॉय कर लो, हम लॉन्ग टर्म एंजॉय करेंगे। सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होता, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। ये सिलेक्शन आपका नहीं है सिर्फ, इस पर मेरा, आपके परिवार के लोगों का बराबर का अधिकार है, इसलिए पूरी मेहनत करो, क्योंकि सबने मेहनत करी आपके साथ, तो आप इसे खराब नहीं कर सकते, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको करके देना है। एक्चुअली प्रिपरेशन देखी नहीं है किस हिसाब से पढ़ाई होती है, बहुत खतरनाक। और नीट, इवन ये जेई की बात नहीं हो रही, नीट में भाई बंदे जो है ना, बंदे 18-18, 19-19 घंटे पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे बंदे भी देखे हैं मैंने, ऐसे ऐसे। उनके पीछे की वजह ही होती है कि वो इतना इतना शार्प माइंड उनका नहीं होता है, तो वो मेहनत से अपने आप को ऊपर लेके आते हैं। किसी भी प्रॉब्लम में तीन चीजें नहीं छोड़नी चाहिए थी, उन्होंने तीन चीजें क्या बोली थी, खाना, सोना, और गेस करो तीसरा क्या बोला था उस सेंट ने, नहाना। ये तीन चीजें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बाकी जो भी लाइफ में चल रहा है चले, खाना, नहाना और सोना, ये तीनों चीजें लाइफ से कभी गायब नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। सोचने से कहां मिलता है तमन्नाओं का शहर, चलना भी जरूरी है साहब मंजिल को पाने के लिए।